जत्र तत्र दिशा विशा होयो होए फैलियो अनुराग सब तरफ सब तरफ। कितने प्यार से तू बैठा हुआ है। नाम काम विहीन पेखत धाम हूं नह जाए। ना नाम तेरा ना कामनाएं तेरे को कुछ, तो तेरे घर तक मैं पहुंचू कैसे। नाम काम विहीन, विहीन मतलब बगैर, बिना। तू नाम के बगैर है, तू धाम के बगैर है, तो तेरे धाम को तेरे घर को तुझ तक कोई पहुंचे तो बता कैसे पहुंचे। सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानतता है। तुझको मानते हैं, सर्वत्र में तू है ये मानते हैं, और हैरान होकर के देखते हैं कि एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, कि तुझ अनामी अरूप अरेख ने एक ने अपने अनेक रूप बना लिए, अरूप ने अपने ही अनेक रूप बना लिए। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। तू एक है, अनामी है, सब में है। एक था, एक से अनेक हो गया खेल खेल में, और खेल खेल में ही खेल को खत्म कर दिया, फिर अखेल हो गया। जो दिख रहा था वो फिर सूक्ष्म हो गया, जो दिख रहा था जगत वो फिर बीज रूप हो गया। खेल खेल में तू अनेक हो जाता है, और खेल ही खेल में अनेक से तो फिर एक हो जाता है। तुम कहाँ हो इस सारे खेल में, तुम कौन हो? जितने बैठे मुझे इस समय सुन रहे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ हो? सब तो वो खेल ही खेल में, वो सूक्ष्म स्थूल हो गया है। खेल ही खेल में वो अनंत शरीरों वाला हो गया है। खेल ही खेल में वो परब्रह्म जीव हो गया है। खेल ही खेल में वह ब्रह्म ही माया हो गया है। तुम कहाँ हो? खेल तो सारा उसका। तुम खामखा में, झूठ ही मैं बना के बैठा है, झूठ ही अपने आप को बना के बैठा है। तुम हो कहाँ? तुम तो कहीं भी नहीं। कहीं आया नाम तुम्हारा? कहीं आया जिक्र तुम्हारा कि तुम भी हो कुछ? नमो जीव जीवे सब जीवों के रूप में भी प्रभु तू है। नमो बीज बीजे सब सृष्टि का बीज रूप तू ही है। नाम काम विहीन पेखत धाम हूं नह जाए। सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानतता है। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। जब कोई मारे जब कोई पीटे, जानना है तो खेले। देव भेव न जानहि जह भेद और कतेब। देवता भी तेरे भेद को न समझ पाए, न भेद तुझको समझ पाए। कतेब कुरान न कुरान शरीफ तुमको समझ पाए। रूप रंग न जात पात सुजानई कह जेब। न रूप न रंग न जाति न पाति, कोई जानना भी तुमको चाहे तो कैसे जानेगा। एक आदमी दिल्ली में थाने में गया, कहता चोरी हो गई, रपट लिखो, एफआईआर लिखो। थानेदार ने कहा भाई क्या चोरी हुआ? बोले कुछ भी नहीं। पागल हो गए, अगर कुछ भी चोरी नहीं हुआ तो रपट किस चीज की लिखूं, क्या चोरी हो गया? बोले नहीं, रपट तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि चोरी तो हुई है। अच्छा कहाँ हुई है? बोले कहीं भी नहीं। किस चीज की हुई है? किसी की भी नहीं। किसी पे शक है? बोले किसी पे भी नहीं। पुलिस वाला कहता तू पागल है? वो कहता बिल्कुल भी नहीं। तो बोले रपट क्या लिखूं? रपट तभी लिखी जाए, शिकायत तभी दर्ज की जाए जब हम आइडेंटिफाई करें कि किस जगह पर चोरी हुई, किस चीज की चोरी हुई, कितने बजे चोरी हुई। यहाँ आदमी परमात्मा को ढूंढना चाहता है, यहाँ आदमी परमात्मा को समझना चाहता है। और जरा ध्यान से सुन लो, जिस परमात्मा को तुम खोजना चाहते हो उसका रूप कोई नहीं है, ढूंढ लो। रेखा कोई नहीं है, खोज लो। रंग कोई नहीं है, पहचान लो। जगह किसी एक पर नहीं है, ढूंढ लो। तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, ना उसकी कोई तात, उसका कोई पिता नहीं है, ना उसकी कोई मात, उसकी माता कोई नहीं है। तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, और परमात्मा स्वयं जन्म मरण से परे है। चक्र बक्र फिरे चत्र चक मान ही पुर तीन। अब ये फिर काव्य का श्रृंगार आया है, फिर ये शब्दों का इतना सुंदर जोड़ आया है कि वो इट साउंड सो ब्यूटिफुल व्हेन आई एम स्पीकिंग इट। फिर कहती हूं, चत्र चक्र फिरे चत्र चक मानही पुरतीन। अब एक एक शब्द को समझिएगा। चक्र बक्र, चक्र गोल, बक्र टेढ़े, वक्र। बक्र कहां से निकला है? वक्र शब्द से। हिंदी के वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा होना। बक्र का अर्थ भयानक भी होता है, डरावना भी होता है। फिरे चत्र, फिरे चत्र, यहां चार दिशाओं की बात हो रही है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। मान ही, मानते हैं। अब इस पूरी लाइन का अर्थ समझो, ये परमेश्वर प्यारे मौत रूपी टेढ़े चक्रों में, मौत रूपी टेढ़े चक्रों में जो जीव मरते जन्मते वो सब तेरे आगे सर झुका रहे। चत्र बक्र फिरे चत्र चक मानही पुर तीन। पुर, पुर कौन से? पृथ्वी आकाश और पाताल, इन तीनों में जो भी कोई जीव रहते हैं, ये तेरे इस मौत के भयानक टेढ़े चक्रों में फंसे हुए जीव सब तुझको प्रणाम करते। लोक 14 के बिखे जग जापई जह जाप, 14 लोकों का वर्णन किया गया है। 14 लोकों में रहने वाले जितने भी लोग हैं, बोले सब तेरा ही जाप करते हैं। आदि देव अनाद मूर्त थाप्यो सबे जय थाप, जो स्वयं अनादि है, जो स्वयं आदि स्वरूप है, जिसको खुद किसी ने नहीं बनाया है, उसने ये सब कुछ बना दिया। व्हाट अ कंट्रोवर्शियल डिलेमा। हाथ पैर जिसके हैं नहीं, रूप रंग रेख है नहीं, उसने सब रूप बना दिए, सब रेखाएं बना दी। जिसका अपना कोई घर नहीं है, उसने 14 लोक बना दिए, अंतरिक्ष बना दिया, सृष्टि बना दी, क्रम बना दिया। बना करके फिर खुद कहाँ है? परम रूप पुनीत मूर्त पूरन पुरख अपार। खुद पवित्र का पवित्र, शुद्ध का शुद्ध, निर्लेप का निर्लेप, अपार का अपार। सर्व विश्व रचयो स्वयंभव गणन पंजन हार। तूने प्रभु सारे विश्व की रचना करी, सब कड़नहार, सब बनाता है, पंजनहार सब मिटाता है। कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश। स्वयं तू कालहीन है, स्वयं तू काल, काल अर्थ होता है समय, स्वयं तू समय के पार है, पर समय चलता तेरे इशारे से। कालहीन, स्वयं तू काल से परे है, कला संयुक्त, लेकिन इस काल को चलाने की कला तेरे पास है। ये काल का चलना तेरे इशारों से होता है, और किसका इशारा है? जो खुद अकाल है। धर्म धाम सुभरम रहत अभूत अलख अभेस। अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम। जिसका अपना ना कोई अंग है और उसको किसी से राग भी नहीं है। राग बने प्यार, किसी से कोई प्यार नहीं। आदमी अपनी मूर्खता में कहता है, लोगों की मति ऐसी कुमति है। कुमति समझते हो? बिगड़ी हुई अकल। कुछ दुख सुख जिंदगी में हो जाए, कुछ नुकसान, कुछ दिवाला निकल जाए तो भगवान भी कांप गया होगा। जो अभेद है, जो अजीत है, वो कांप गया होगा। भाई तुम कांप गए हो। तुम्हारी हालत तो उस शराबी की तरह है। एक शराबी रात गए, अपने घर वापिस आया, ताला खोलने की कोशिश करता है, ताला खुल नहीं रहा है, क्योंकि पैर जम नहीं रहे हैं, हाथ इधर उधर जा रहे हैं। पुलिस वाले ने देखा, बोले क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, चोरी करेगा क्या? बोले चोरी थोड़ी कर रहा हूं, ये जो ताला देख रहे हो ये मैं खरीद के लाया था, ये दरवाजा देख रहे हो मैंने बनवाया था, ये मकान देख रहे हो ये मैंने बनाया, ये मेरा है। पुलिस वाला कहता, अगर तेरा मकान है तो तू खोल के दरवाजा सीधे अंदर क्यों नहीं घुसता? कहता हद हो गई, जब मैं कह रहा हूं ये मेरा है। पुलिस वाला कहता मैं नहीं मानता, सबूत दे कि ये तेरा है। उसे पुलिस वाले को पकड़ा और घुमा करके घर के पिछवाड़े में खिड़की तक ले गया, कह रहा ये खिड़की देख रहा है? पुलिस वाला कहता हाँ देख रहा हूं। बोले अंदर क्या दिख रहा है? बोले वो जो अंदर दिख रही है ना तुझको, वो औरत, वो मेरी बीवी। उसके बगल में छोटी चारपाई पर जो बच्चे सो रहे हैं वो मेरे हैं। मेरे से सबूत मांगता है कि ये घर मेरा है कि नहीं। पुलिस वाले ने कहा वो जो औरत लेटी हुई, उसके साथ जो आदमी है, बोले वो भी मैं ही हूं, सबूत मांगता है, मेरा घर है। बेसुध बेहोश हुआ आदमी, और बेसुधी में वो ये भी नहीं जानता, वो ये भी नहीं समझता, उसको ये भी बोध नहीं है कि परमात्मा उस सत्ता का नाम है जिस सत्ता में न राग है न द्वेष। अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम। फिर कह दूं, यहां पर जो लक्षण दिए जा रहे हैं ये ब्रह्म के लक्षण है, ईश्वर का लक्षण नहीं है। ईश्वर के लिए दूसरी रचना में बहुत सुंदर लिखा है, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। ये ब्रह्म का लक्षण नहीं है, ईश्वर का लक्षण। ईश्वर कौन है? जब परब्रह्म शुद्ध स्वरूप से माया के में प्रतिबिंबित मतलब द रिफ्लेक्शन, जब माया से जुड़ता है तो ब्रह्म का ही नाम ईश्वर हो जाता है। इस ईश्वर का जीवों से लेन देन सीधा वास्ता हो जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का पूरे देश से सीधा वास्ता होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का नहीं होता। प्रेसिडेंट का नहीं होता है। वो बात अलग है कि प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, रोजमर्रा का जो देश चलाने का काम है वो सारी सिरदर्दी किसके जिम्मे है? वो प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे, प्रेसिडेंट के जिम्मे नहीं होती। थोड़ा आसान कर देती हूँ, ब्रह्म माने प्रेसिडेंट, ईश्वर माने प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की ही शक्ति से चलेगा, पर फिर भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होता है। प्रेसिडेंट जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकता है। बोले हमारी शक्ति से, हमारी सत्ता से जब सब काम होगा तो सही होना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए। देश को और देश के नेताओं को गड़बड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पर ब्रह्म तो ये भी नहीं करता। उपनिषदों में कहीं कहीं यह भी वाक्य आया है, कहा ब्रह्म तो नपुंसक है, उससे ना कुछ होता है ना कुछ कर सकता है। तात मात, न पुत्र न मां न पिता न जाति न पाति न रूप न रंग न रेख न पेख, गुमशुदा, गुमशुदा नहीं है, प्रभु हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अभेश है, वो है। उस है से सब कुछ है। सर्व विश्व रचयो स्वयंभव, कड़न पंजन हार, कालहीन कला संजुगत, अकाल पुरख अदेश, धर्म धाम सुभरम रहित, अभूत अलख अभेश। अलख उसको जाना नहीं जा सकता, अभेश क्योंकि उसका अभेश कोई नहीं। अंग राग न रंग जाके, जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन, मुक्त दायक काम। गर्भ कहते अहंकार को, गंजन तोड़ना, भंजन नाश करना, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम। अकाल पुरख तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, दुष्टों का नाश करता है, मुक्ति का दाता है। अब यहां पर ये जो लक्षण है ये ईश्वर के लक्षण है, यह ब्रह्म के लक्षण नहीं है। ब्रह्म के लक्षण क्या है? पीछे हम कह चुके हैं, रूप रंग न जात पात, सो जान ई कह जेब। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुनमीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा, साध जना की अचरज कथा। उसकी कथा कह रहे हैं जिसको आंखों से न देखा था न देखोगे। उसकी कथा कह रहे हैं जो न तेरे छूने में कभी आया था न कभी छूने में आएगा। उसकी कथा कह रहे हैं जिसका भेद कोई जान न पाएगा। उसकी चर्चा कर रहे हैं जिसकी लक्षणा कभी कोई कर न सकेगा। हुई ना अचरज कथा ये। राम कृष्ण नानक गुरु गोविंद देखे हैं, सुने हैं, पैदा हुए हैं, हिस्ट्री है, उनके बारे में बात करो, प्रमाण है, प्रत्यक्ष जगह ऐसी हैं, निशान हैं उनके, जहाँ जहाँ वो लोग गए, बैठे, खेले, खाए, लीला करी। लेकिन ब्रह्म का यूं कोई निशान नहीं, पर चर्चा उसी की। किसकी चर्चा? उसकी चर्चा हो रही है जो शब्द अतीत है। हम कह रहे हैं वो सच्चिदानंद है, वो नहीं कह रहा है मैं सच्चिदानंद हूं। सत्ता नहीं कह रही है मैं सच्चिदानंद हूं। अस्तित्व नहीं कह रहा है मैं सत्य स्वरूप हूं। अस्तित्व नहीं कह रहा है। द एग्जिस्टेंस इजंट स्पीकिंग एंड द वन हु इज स्पीकिंग इज नॉट द एग्जिस्टेंस। सो हु इज स्पीकिंग? इट इज अ रिडल। यह भी एक अबूझ बुझारत है। ये भी एक अबूझ बात, आज की चर्चा यहीं तक, बाकी सुबह में।